हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TL मेडिक पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जानेंगे डिफ़िकल्टी इन स्लोविंग यानी डिस्फेजिया के बारे में, यानी कि निगलने में कठिनाई के बारे में। अगर हम कुछ खाते हैं तो उसको निगलने में कठिनाई होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिए संपूर्ण जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फूड्स और लिक्विड को निगलने में कठिनाई होना डिफ़िकल्टी इन स्लोविंग कहलाता है। मैं अब बात करूं इसके कारणों की कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके होने के। फायरेंजाइटिस, ग्रसनी शोथ, टॉन्सिलाइटिस, गलसुओं में सूजन, ईसोफेगल नैरोविंग यानी भोजन नली का संकरा हो जाना, ईसोफेगल ब्लॉकेज भोजन नली में रुकावट, स्पाज्म, ऐंठन, लैरिंगो ट्रैकिया ब्रोंकाइटिस यानी श्वसनी शोथ, पोरोजाइटिस यानी कि छिद्रिलता। अब बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। एक्सेसिव स्लाइवा और ड्रॉलिंग, लार की अधिकता, डिफिकल्टी इन चीविंग चबाने में कठिनाई, कफिंग एंड वोमिटिंग ऑफ फूड, खांसी तथा उल्टी, कफिंग ड्यूरिंग और आफ्टर स्लोविंग निगलते वक्त या उसके बाद खांसी का आना। बात करें इसके ट्रीटमेंट की कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है डिस्फेजिया होने पर। गर्म पानी में 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करके तथा साथ में पोविडीन आयोडीन मिलाकर गार्गलिंग कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही दर्द कम करने हेतु, यानी अगर दर्द है, निगलते समय दर्द हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए टैबलेट डायनापार, इसका कंपोजिशन डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामॉल होता है, इसे दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक के तौर पर क्या क्या दिया जा सकता है वो जान लीजिए। टैबलेट एजीबैक्ट, इसका कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg होता है, दिन में एक गोली 3 दिनों तक दी जा सकती है, अथवा कैप्सूल मॉक्स 500, इसका कंपोजिशन एमोक्सिसिलिन 500 mg होता है, एक कैप्सूल सुबह शाम 3 दिनों तक दिया जा सकता है, तथा टैबलेट लिम्सी, इसका कंपोजिशन विटामिन सी होता है, रोजाना एक गोली दी जा सकती है। अगर खांसी हो तो इसके लिए सिरप ग्रिलेंटस BM 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम को दिया जा सकता है। अगर एसिडिटी तथा पेनफुल डिस्फेजिया हो तो इसके लिए सिरप रिड, ये एनास्थेटिक एंटासिड जेल होता है, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम को दिया जा सकता है। टैबलेट रैनटैक, इसका कंपोजिशन रैनिटिडिन 150 mg होता है, इसे भूखे पेट एक गोली सुबह शाम दिया जा सकता है। अगर इसोफेगल कैंडिडियासिस हो तो इसके लिए टैबलेट फोरकान 150 mg, इसका कंपोजिशन फ्लुकोनाजोल होता है, सप्ताह में एक गोली दी जा सकती है। इसके साथ ही जनरल टॉनिक के रूप में सिरप A to Z यानी मल्टीविटामिन सिरप होता है, ये 2 चम्मच सुबह शाम दी जा सकती है। तो ये रही जानकारी डिस्फेजिया के बारे में, लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन का उपयोग ना करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।